अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल द सिस्टर्स आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। सभी सिस्टर्स को वो पाकिस्तान में हों या आउट ऑफ पाकिस्तान, रमदान मुबारक हो। अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों वाले इस मंथ में आपको अपनी रहमतों से और बरकतों से नवाजे, और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। एंड आई होप के सभी सिस्टर्स ने अपने इफ्तार और सहर की डिशेज़ को इंजॉय करने के साथ साथ इस मुबारक मंथ की रहमतें और बरकतें भी खूब समेटी होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को, इस मंथ में की गई इबादत को, तमाम अच्छे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। टेस्टी और स्पाइसी दही फुलकियां या पकौड़ियां जो दही भले के साथ या दही बड़े के साथ मार्केट से मिलती हैं, सभी को पसंद होती हैं। ये दही फुलकियाँ मोस्टली मार्केट से ही खाई जाती हैं, क्योंकि घरों में बनाना इसे बड़ा मुश्किल समझा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बड़ा इजी वे बताऊंगी जिससे आप इसे आसानी के साथ घर पे बड़े हेल्दी वे में बना के खा सकती हैं और सबको खिला सकती हैं। और क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसे बार बार रिसाइकल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें से ऑयल की स्मेल भी आती है, और ये फ्रेश ना होने से इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जो बनी हुई फ्राई की गई पैकेट्स में भी मिलती हैं, और कुछ खवातीन उसे, कुछ सिस्टर्स उसे पैकेट्स वाली जो फ्राई पैकिंग में मिलती हैं वो घर में ला के उसे फिर प्रिपेयर करती हैं, पानी में भिगो के फिर यूज़ करती हैं। लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होता जो इसे फ्रेश बना के इसे खाएं, तो फिर वो इसका जो फ्रेश टेस्ट होता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आप बेसन को, ग्राम फ्लावर, उसे आप छान लें। छानने के बाद उसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी आप देखिएगा, हर किसी के बेसन पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे वाटर कम या ज़्यादा ऐड होता है। उसको एक अच्छा सा बैटर आपने बनाना है और उसको आपने मिक्स करना है। उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, थोड़ा 5 to 10 minutes आप उसको मिक्स करें, ताकि उसके कभी कोई उसमें कोई कर्डर नहीं रह जाए और एक अच्छा सा स्मूथ बैटर उसका बन जाए। उसको मिक्स करने के बाद उसको 10 to 15 minutes के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद मुझे चाहिए था मिंट सॉस बनाने के लिए, मिंट चाहिए था, तो ये मैंने अपने प्लांट्स देखे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। और ये मिंट के साथ साथ मिंट के प्लांट भी ग्रो किए हैं, और इसके साथ साथ मेरे कुछ और प्लांट्स भी हैं, और वो किस चीज़ के प्लांट हैं वो मैं आपको फिर बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। और आज काफ़ी हॉट वेदर था, काफ़ी तेज़ सनलाइट है और बड़ी शाइनिंग है, और काफ़ी दिन के बाद आज हॉट दिन है। अदरवाइज़ लास्ट वीक में काफ़ी बारिश और बादल वगैरह थे। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी मिंट सॉस, उसमें ग्रीन चिली भी ऐड की हैं। और अब स्टार्ट करते हैं फ्राई के लिए। ये कंसिस्टेंसी आप देखिए कि आपको ऐसी कंसिस्टेंसी होगी और बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट होगा। और जो इसके लिए स्पून होता है पकौड़ियाँ बनाने वाला स्पेशल, वो मेरे पास यहाँ नहीं अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने इसे हाथ से ही बना लेती हूँ मैं। तो इसके लिए इसको स्मॉल स्मॉल, इसकी जैसे मार्केट से आप देखती हैं जो शेप होती है इनकी, वैसे ही आप इसको फ्राई करेंगे। और इसको आप ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे पैन में, इजीली जितनी आप देखें कि इसमें आ सकती हैं उतना ही बैटर ऐड करेंगे। और जब इसको देखेंगे कि ये थोड़ा सा गोल्डन होने लगा इसका कलर, तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे और इनकी साइड पलट देंगे ऐसे, और इसको मीडियम हीट पे बनाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगी, इंटरनली ये फिर अनकुक रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी, सोगी रहेंगी, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी। और अगर इसको लाइट फ्लेम पे बनाएंगे तो फिर ये इंटरनली भी अच्छी तरह से कुक होंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी। ये अब हमारी कुक हो चुकी हैं, और इसको ऑयल ड्रेन करेंगे ऐसे साइड पे, और इसके बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये बाकी भी मैंने निकाल ली हैं,
और इसके बाद नेक्स्ट आप एक और एक दफ़ा फिर से इसी तरह से वन बाय वन इसको ऐड किया ऑयल में, और हीट का आपको देखना होगा कि ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो, मीडियम हीट होनी चाहिए या मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और इनको भी ऐसे साइड चेंज करेंगे, लेकिन कलर थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद, और इस तरह से इनको साइड चेंज करते हुए प्रॉपरली गोल्डन करेंगे। और जब ये सभी गोल्डन हो जाएंगी तो फिर इसको निकाल लेंगे, ऑयल ड्रेन करके इसको निकाल लेंगे। अब ये गोल्डन हो चुकी हैं इसलिए इसको निकाल देंगे। इसी तरह से फिर बाकी सभी बैटर मैंने प्रिपेयर किया और इसकी सभी पकौड़ियाँ रेडी हो गई। और इसके बाद फिर इनको हमने पानी में ऐड किया मैंने 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये हो जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल घर पे बनाई गई हैं, फ्रेश हैं, ये ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा। और पानी के लिए आप ये देखिएगा कि आप उसको हॉट वाटर में ऐड नहीं करेंगी। बहुत सी सिस्टर्स इसको हॉट वाटर में डिप करती हैं, उसे ये जो पकौड़ियाँ हैं वो टूट फूट जाती हैं, वो टूट जाती हैं। इसको कभी भी हॉट वाटर में ऐड नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे। ये देखें आप इसकी साउंड सुन सकती हैं कि कितनी क्रिस्पी हैं, और इनकी साउंड से इनकी आवाज़ से पता चलता है। ये वाली भी रेडी हैं, इनको भी हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ड्रेन करेंगे इसको साइड पे कॉर्नर पे स्पून की मदद से, इसके बाद इसको भी डिश आउट करेंगे। निकाल के किसी बाउल में रखें, किसी प्लेट में रख लें, और फिर इसको वाटर ऐड करेंगे ताकि इसको डिप करें वाटर में। और वाटर से निकालते हुए भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा दबा के इसका पानी या वाटर ना निकाला जाए। इसकी साउंड आप देख सकते हैं, और ये देखें कि इसका ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, और ये बहुत कितनी ये क्रिस्पी है। ये घर पे बनाई गई चीज़ें मार्केट की नस्बत बहुत हेल्दी और नाइस होती हैं, उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और ये पानी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हॉट वाटर ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर है। 30 मिनट्स होने के बाद इसको दोनों हाथों से दबा के इन पकौड़ियों का पानी निकाल देंगे, और इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये ज़्यादा ज़ोर से ना दबाई जाए, अदरवाइज़ ये टूट जाती हैं। इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद इस पे सभी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। मैं एक ही बार सभी चीज़ें ऐड करके मिक्स करती हूँ और फिर सर्व करती हूँ, बट यहाँ आपको दिखाने के लिए इसको मैं सेपरेटली सभी चीज़ें ऐड करूँगी ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छी तरह से। ये इस पे सबसे पहले योगर्ट ऐड करेंगे, योगर्ट को ब्लेंड कर लेंगे पहले, और उसके बाद फिर ऐड करेंगे। और इसके बाद फिर इस पे ऐड किया है ऑनियन, ऑनियन के बाद इस पे सैलेड लीफ है, आप आइसबर्ग, लेटेस, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद इस पे ऐड करेंगे टमाटोस, और टमाटोस के साथ इस पे ऐड किए हैं सॉस, ग्रीन सॉस, मिंट सॉस, चाट मसाला, और साथ में इस पे ऐड किए हैं इमली की चटनी। ये चाट मसाला ऐड किया है, ये अब मिंट सॉस ऐड की है इस पे। ये जो सॉसेस हैं या जो चाट मसाला है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये इमली की चटनी है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ऐड ना करें। इसी तरह से अगर आपको ग्रीन चिलीज़ पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करके ऐड कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और हेल्दी दही फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ रेडी हैं, और आप भी बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आई होप के रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी,
और अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रेसिपी एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के साथ बिल्कुल फ्री में मिल सके और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी तक फ्री अमानिला। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे। आमीन सुमामीन।